हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 28। तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहु, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो इस विशेष श्लोक में तत्ववित्त वो व्यक्ति होता है जो तीन गुणों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। हम बाध्य हैं इनसे प्रभावित होने के लिए, क्योंकि हमारे कार्य इन तीन गुणों के स्तर पे हैं। हम इस भौतिक जगत में आए हैं तो आत्मा भगवान का अंश है, आध्यात्मिक शक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति है, माया शक्ति निकृष्ट शक्ति है। श्रेष्ठ शक्ति निकृष्ट शक्ति के प्रभाव में कैसे आ सकता है, क्योंकि अंश है, सूक्ष्म है, और वो निकृष्ट शक्ति शक्तिशाली है। और हम इस संसार में भगवान की सेवा करने की इच्छा से नहीं आए, भगवान से अलग होके भगवान की शक्ति को भोगने के लिए आए। अगर उनकी सेवा करने की इच्छा होती तो उनके जगत को छोड़ के ही क्यों आते। तो एक तत्ववित्त भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण तीन गुणों से प्रभावित नहीं होता। तो अगर कोई व्यक्ति इन तीन गुणों के प्रभाव से बचना चाहता हो, रजोगुण के प्रभाव में हमें क्रोध आता है, लोभ होता है, कामुक हो जाते हैं, अनियंत्रित इच्छाएं हो जाती हैं, आसानी से संतुष्ट नहीं होते, मन अशांत रहता है, एक विषय से दूसरे विषय में भागता रहता है, तमोगुण में आलस्य, प्रमाद आदि का प्रभाव रह जाता है, सतोगुण में सतोगुण से मिलने वाला सुख और जो ज्ञान है वो बांध देता है, इसके बाद इससे ऊपर उठने की इच्छा नहीं रहती। इन तीन गुणों के पूरे विशुद्ध सत्वगुण हैं जो कि आध्यात्मिक जगत में प्रभावशाली, आध्यात्मिक कार्यों में प्रभावशाली है। उस विशुद्ध सत्वगुण में हम परम सत्य का साक्षात्कार कर पाते हैं। इसलिए भक्ति के कार्य, आध्यात्मिक अभ्यास, ये वैदिक साधना भक्ति उस विशुद्ध सत्वगुण में उठाने के लिए हमको बनी है। पर कम से कम सतोगुण का जीवन का पालन करना पड़ेगा उस स्तर पर जाने के लिए। सतोगुण के जीवन में प्रातःकालीन जल्दी सुबह उठना पड़ेगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा और सूर्योदय से पूर्व उठना होगा, और सुबह का समय जो है मन शांत रहता है, आध्यात्मिक कार्यों के लिए अनुकूल है। आध्यात्मिक कार्यों का अभ्यास करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, कुछ देर गीता श्रीमद् भागवतम को पढ़ना और सुनना चाहिए। ये हमारी चेतना पे एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो सतोगुण का कार्य सतोगुण के समय में करने से चेतना सात्विक हो जाती है और उसका प्रभाव हमारे मन पे पूरा दिन रहता है। हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, हमारा मन स्थिर हो जाता है और छोटे छोटे कारणों से मन व्यथित नहीं होता है, मन में एक पूर्णता होती है, संतुष्टि होती है। ये इसके कुछ नजर आने वाले प्रभाव है, लेकिन इन समय में आध्यात्मिक अभ्यास करने से, आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठने के लिए जो हमें बल मिलता है वो दिन के किसी और समय में नहीं मिलता। तो एक तत्ववित्त तीन गुणों से बाहर आ चुका है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो परम सत्य को जानने वाला है वो कभी भी इंद्रियों में और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता, क्योंकि उसके सुख का जो आस्वादन है वो इन इंद्रियों से नहीं, आत्मा के स्तर पर आ रहा है, आत्मा के कार्यों से आ रहा है उसका सुख, इसीलिए वो इंद्रियों तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता है। क्योंकि जब हमें ऊंचे सुख का ज्ञान नहीं रहता है तो हम फिर छोटे सुख में रमन करते हैं, छोटे सुख को पाने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में
ऊंचे सुख को प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए।